दोस्तों, आज तक आपने कई बार टारगेट सेट किए होंगे, कई बार आपने अपने आप से वादा किया होगा और मन ही मन बोला होगा कि बस कल का दिन आने दे, अपने गोल को अचीव करने के लिए कल से मैं रोज कड़ी मेहनत करूंगा और अपना गोल अचीव होने के बाद ही रुकूंगा। कल का दिन आया और चला गया, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाए और फिर सोते वक्त आज नहीं किया तो क्या हुआ, मगर कल से पक्का करूंगा ये वादा करके सो गए। लेकिन अगले दिन क्या होता है, सेम कहानी रिपीट होती है और ये तब से आज भी जारी है। आप रोज कल के सवेरे को जिंदगी की एक नई शुरुआत बनाने का खुद से वादा तो करते हो, मगर उस वादे को निभा नहीं पाते। क्यों? सच कह रहा हूँ ना, अगर ये सच है तो फिक्र मत करो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जिंदगी में एक बड़ा चेंज आने वाला है। वो भी ऐसा नहीं कि मैं आपको यहाँ पर 2-4 साल मेहनत करने के लिए कहने वाला हूँ, नहीं, बस 90 दिन का टाइम। क्योंकि कहा जाता है कि किसी भी चीज को हैबिट बनाने के लिए 21 दिन का टाइम लगता है, और उसी हैबिट को अगर अपनी जिंदगी का पार्ट बनाना है तो 90 दिन का टाइम काफी होता है। आप अगर खुद में बदलाव लाना चाहते हैं, जिंदगी को स्वर्ग सी बनाना चाहते हैं, तो आज मैं आपको 8 बातें यानी 8 मंत्र बताऊंगा, उन्हें फॉलो करो और सबसे आगे निकल जाओ। और इनमें से एक मंत्र तो ऐसा है कि उसे अगर आपने सीख लिया तो आपको बाकी के किसी भी मंत्र या मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। Rule number 8, लॉक योर अल्टीमेट गोल। दोस्तों, आप जब भी कुछ ट्राई करने जाते हैं तब फेल क्यों हो जाते हैं पता है? क्योंकि आप अपना गोल सेट नहीं करते, जो भी राह दिखती है बस उसी पर चल पड़ते हो। कई लोग गोल तो सेट करते हैं मगर वो भी शॉर्ट टर्म का होता है, वो अगले 6 महीने में या 1 साल में क्या अचीव करना है ये दिमाग में लिए घूमते हैं। ऐसे में क्या होता है कि आप भी रास्ते से भटक जाते हैं और जो रास्ता दिखे उसी की ओर कदम बढ़ा देते हैं। उस राह पे जाने के बाद आपके पास कोई रास्ता नहीं बचता सिवाय अपनी सारी खुशियों को दांव पे लगाने के। यार आप ही सोचो, अगर आपको यही नहीं पता कि आपको कहां जाना है तो आप सही जगह कैसे पहुंचोगे? इधर उधर भटकोगे ही ना। इसलिए आप अगर चाहते हो कि आपकी जिंदगी में खुशहाली हो, वो सभी चीजें आपको मिले जिन्हें पाने के आपने सपने देखे हैं, तो अपना अल्टीमेट गोल सेट करो। अल्टीमेट गोल यानी कि वो गोल जिसे पाने का आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। जीवन में आप जिस संतुष्टि की तलाश कर रहे हो वो उसी गोल को अचीव करने के बाद आपको मिलेगी। सही राह पर अगर चलना है तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये है कि आपको अपना अल्टीमेट गोल डिसाइड करना है और उसी दिशा में आगे बढ़ना है। Rule number 7, स्टे पॉजिटिव। देखो, 90 दिन का ये लाइफ चेंजिंग सफर आसान तो नहीं होने वाला। आपको इस सफर में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। आपको कई बार लगेगा कि आप जो कर रहे हैं वो सही भी है या नहीं, आप कोई गलती तो नहीं कर रहे। इवन कई बार तो आपको अपनी काबिलियत पर भी डाउट होने लगेगा। आप खुद से कहने लगोगे कि यार ये बहुत ही हार्ड काम है, मुझसे तो नहीं होगा, मैं इस काम के लायक ही नहीं हूँ। पर आपको अपने मन को समझाना है कि बेटा, हार नहीं माननी है, भले कितना ही जोर क्यों ना लगाना पड़े, कितनी ही ताकत क्यों ना झोंक देनी पड़े, डटे रहना है। चाहे तो अपनी विल पावर की सीमाओं को लांग दो, लेकिन डटे रहो। अपने भीतर इतनी पॉजिटिविटी भर दो कि जब भी नेगेटिविटी आपको घेरने की कोशिश करे तो वो घेर ही ना पाए। और ये तभी हो पाएगा जब आप लगातार बिना थके और बिना हारे अपने काम को पूरा करने के लिए डटे रहोगे। इसलिए काम करो और पॉजिटिव रहो। Rule number 6, रिवॉर्ड योर सेल्फ। काम करने के बाद खुद को रिवॉर्ड देना क्यों इम्पोर्टेंट है ये समझो। मान लो आप कोई जॉब कर रहे हो, आपको अच्छी सैलरी भी मिल रही है, इसी बीच अगर आपको सैलरी मिलना बंद हो जाए तो क्या आप अब भी वह जॉब करोगे? नहीं ना। उसी तरह अगर आप लगातार कोई काम करते जा रहे हो तो एक पॉइंट ऐसा आएगा ही जब आपको नेगेटिव थॉट आने लगेंगे और आपको लगने लगेगा कि नहीं यार, ये काम बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इसका कोई भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ पर देखने को नहीं मिल रहा। सच बताया जाए तो पॉजिटिव इम्पैक्ट तो होता है, बट वो टाइम के साथ इतना धीरे धीरे होता है कि आपको वो महसूस ही नहीं होता। अब क्योंकि आपको महसूस होता नजर नहीं आता, इसलिए हर टास्क कंप्लीट करने के बाद आप खुद को रिवॉर्ड दिया कीजिए। जैसे कोई टास्क अगर आपने टाइम पर कंप्लीट कर दिया तो कहीं घूमने निकल जाइए, खेलिए, कोई भी पसंदीदा चीज कीजिए, ताकि आप में आगे भी उतनी ही एनर्जी के साथ काम करने की ताजगी बनी रहे। Rule number 5, पनिश योर सेल्फ। आप सोच रहे होंगे, पनिश क्यों करना है भाई, इससे डिमोटिवेट और रिग्रेट फील नहीं होगा? अगर आप ऐसा ही सोच रहे हैं तो पहले तो इस थॉट को अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि दोस्तों खुद को पनिश करने से आपको कभी भी डिमोटिवेट फील नहीं होने वाला है, उल्टा आप और ज्यादा एनर्जेटिक और मोटिवेट फील करोगे। अगर प्रूफ चाहिए तो अपने स्कूल के दिनों को याद कर लो, जब टीचर आपको होमवर्क कंप्लीट करने के लिए कहती थी और आप वो होमवर्क कंप्लीट करते भी थे। इसलिए नहीं कि आपको टीचर शाबाशी देने वाली है, बल्कि इसलिए ताकि आपको टीचर पनिश ना करे। क्यों? सही कहा ना। इसलिए अगर आपसे काम में डिले हुआ है या कोई गलती हुई है तो खुद को पनिशमेंट दो। वो पनिशमेंट कुछ भी हो सकती है। हर दिन से उस दिन ज्यादा काम करो। हर दिन जिस टाइम रिलैक्स करते थे
उस टाइम पर हैवी काम करो ताकि काम पूरा होने की खुशी में एनर्जेटिक भी फील करो और आगे डटे रहने के लिए मोटिवेट भी। रूल नंबर 4, यूज द साइन फील्ड स्ट्रेटजी। काफी टाइम पहले एक मशहूर कॉमेडियन हुआ करते थे, उनका नाम था जेरी साइनफील्ड। वो अपने काम में कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए एक मेथड यूज करते थे। वो हर दिन जोक्स लिखते थे, हर दिन मतलब हर दिन, एक भी दिन मिस किए बिना। इससे क्या हुआ पता है, उनको जोक्स लिखने की आदत हो गई। जो काम उन्हें कभी बोरिंग लगता था उसे करने में अब उन्हें मजा आने लगा था। इससे भी इंटरेस्टिंग बात तो यह थी कि इस आदत के कारण उनके जोक्स इम्प्रूव होने लगे और उनकी कॉमेडी और ज्यादा निखरने लगी। लोगों को उनकी कॉमेडी पहले से भी ज्यादा पसंद आने लगी। इस कॉमेडियन के नाम और उसके काम से बनी ये साइनफील्ड स्ट्रेटजी बेसिकली ये कहती है कि आपको अपना काम करते रहना है, बिल्कुल चेन रिएक्शन में, बिना एक भी दिन स्किप किए। भले कितना ही इम्पोर्टेंट काम क्यों ना आ जाए, इससे आपको ना सिर्फ आदत हो जाएगी बल्कि आदत से बनी इस कंसिस्टेंसी के कारण आपके काम में भी इम्प्रूवमेंट आएगी, जिससे आपके लिए अपना गोल अचीव करना और भी आसान हो जाएगा। बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि 90 डेज कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। रूल नंबर 3, ट्रैक योर प्रोग्रेस। आपको क्या लगता है, स्कूल में जो मार्कशीट दी जाती है वो क्यों दी जाती होगी? ताकि स्टूडेंट्स को उनके मार्क्स, उनका परफॉर्मेंस मालूम हो सके? जी नहीं, कम से कम मुझे तो यह नहीं लगता। मुझे ये लगता है मार्कशीट एक मोटिवेशनल स्पीकर का काम करती है। किसी स्टूडेंट के मार्क्स अगर कम आए हैं तो वो उसे अगले साल मेहनत करने के लिए मोटिवेट करती है। किसी स्टूडेंट के अच्छे आए हैं तो वो उसे इसी तरह का परफॉर्मेंस या इससे भी अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए मोटिवेट करती है। इट मीन्स अपनी प्रोग्रेस, अपना परफॉर्मेंस चेक करना आपको कभी डीमोटिवेट नहीं करता, बल्कि इससे आप अपनी रियलिटी देख पाते हो और आपको आगे क्या करना है और किस तरह करना है इसका रास्ता मालूम चलता है। इसलिए अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करते रहो, देखो कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा है या बुरा और उसी के अकॉर्डिंग आगे प्रोग्रेस में बढ़ोतरी करते रहो। रूल नंबर 2, विजुअलाइज योर सेल्फ अचीविंग योर गोल। दोस्तों कहते हैं कि बड़ा सपना देखना चाहिए, भले उसे पूरा करना कितना ही इम्पोसिबल क्यों ना लगे, क्योंकि अगर वो सपना देखोगे तो कम से कम कुछ तो चांसेस होंगे कि वो पूरा हो जाए। लेकिन अगर सपना ही नहीं देखोगे तो वो कहां से पूरा होने वाला है। इसीलिए आपको जो कुछ हासिल करना है उसका सपना देखो। अगर बड़ी गाड़ियों में घूमना आपका सपना है तो खुद को उन गाड़ियों में बैठा विजुअलाइज करो। IAS बनना है तो उस लाल बत्ती की गाड़ी को विजुअलाइज करो। IPS बनना है तो खुद को उस खाकी यूनिफॉर्म में विजुअलाइज करो। क्योंकि दोस्तों ये सिर्फ विजुअलाइजेशन नहीं है, ये आपका फ्यूचर है जो प्रेजेंट में आपका मोटिवेशन बनके आपका साथ दे रहा है और कह रहा है कि खुद को अगर ऐसा देखना चाहते हो तो बेटा मेहनत करो। रूल नंबर 1, फाइंड योर व्हाई। अभी तक बताई गई बातें आपको आने वाले 90 दिनों के लिए आपका गोल सेट करने के लिए और पूरा करने में मदद करेंगी। बट एक सवाल है जिसका जवाब आपके लिए ढूंढना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो ये है कि ये 90 दिनों का टास्क, ये गोल सेट करना, इतनी मेहनत करना, ये सब आखिर क्यों? आखिर ये सब करके आप क्या हासिल करना चाहते हो? आखिर ये सब आप क्यों करना चाहते हो? इसे ढूंढो, इस क्यों का जवाब ढूंढो। इस 90 दिन के सफर में जिस दिन आप इस क्यों का जवाब ढूंढने में कामयाब हो जाओगे ना, आपके लिए इस टास्क वास्क की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो क्यों ही आपका मोटिवेशन बनकर आपको कंसिस्टेंटली मेहनत करवाएगा और गोल अचीव करने में मदद करेगा। दोस्तों मुझे पता है जो 8 बातें बताई गई हैं उन्हें करना आसान नहीं है और आपको शुरुआत करने में तो मुश्किलें आने ही वाली हैं, पर बीच का रास्ता उससे भी ज्यादा मुश्किल होगा। ऐसे में आपकी विल पावर ही आपका साथ देगी, उसी का सहारा लेके आपको इन सभी चुनौतियों को पार करना है। लेकिन एक बार अगर आप 90 दिनों का ये टास्क बिना एक भी दिन स्किप किए पूरा करने में कामयाब हो जाते हो तो आगे बड़े से बड़ा टास्क कंप्लीट करना आपके लिए आसान बन जाएगा। आप जो अभी खुद को हारा हुआ महसूस कर रहे हो, 90 दिनों बाद खुद को एक कॉन्फिडेंट पर्सन महसूस करोगे। अगर खुद में ऐसा बदलाव देखना चाहते हो तो आज से ही इन अष्ट मंत्रों का जाप अगले 90 दिनों के लिए करना शुरू कर दो, आपका सफल होना तय है। दोस्तों आप 90 दिनों का टास्क कब शुरू कर रहे हो और इस टास्क को कंप्लीट करने के पीछे आपका क्या मकसद है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस के लिए इस मोटिवेशनल विंग्स 2.0 को जरूर सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मोटिवेशन के साथ।